हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी कर रहे हैं, क्लास सेवेंथ का भी हम लोग कर रहे हैं। क्लास सेवेंथ का एनसीईआरटी ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, एसएससी और पीसीएस के एग्जाम के लिए हम लोग क्रैश कोर्स टाइप कर रहे हैं एनसीईआरटी का। जैसे हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, सिक्स क्लास की ज्योग्राफी हम ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुके हैं। सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में एक टॉपिक हम लोग कर चुके हैं कि क्या अर्थ पे क्या क्या फोर्स लगते हैं। उसके अलावा जबकि अर्थ, जैसे हमने क्या देख रखा है पिछले क्लास में, हमने देख रखा है अर्थ कैसे चेंज करता है। जैसे एंडोजेनिक फोर्स लगता है, एक्सोजेनिक फोर्स लगता है, जो अर्थ इससे जिससे अर्थ चेंज हो जाता है। तो अर्थ के चेंज होने के बाद कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे लैंडफॉर्म हम देखने वाले हैं कि चेंज होने के बाद कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं। लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, ठीक है? और इसके अलावा लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, जैसे देखिए लैंडफॉर्म्स बनते हैं कि अर्थ, मान लो ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस में वेदरिंग होता है। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग अर्थ का सरफेस का कुछ कुछ टुकड़ा ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद इरोजन होता है। इरोड का मतलब होता है यहाँ से ये पार्टिकल उठ के कहीं और चले जाते, उठ के अपने से तो जाता नहीं। कुछ कुछ चीज़ें होती है जैसे वाटर, विंड, ये सब मीडियम का काम करता है, जो कि यहाँ यहाँ के पार्टिकल को शिफ्ट करके यहाँ पे लेकर डिपोजिट कर देता है और नया लैंडफॉर्म बनाता है, ठीक है? तो हम लैंडफॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रिवर का लैंडफॉर्म डिस्कस करना है। रिवर में क्या क्या होता है, पहले वाटरफॉल होता है। वाटरफॉल कैसे होता है, मान लो ये है हार्ड सरफेस, ये था हार्ड रॉक। हो सकता है ना रॉक दो टाइप, या तो रॉक हार्ड है या रॉक हार्ड है या रॉक सॉफ्ट है। तो अगर रॉक हार्ड हुआ, तो रॉक हार्ड हुआ तो रिवर के वाटर से ब्रेक नहीं हो पाया। और जो मान लो यहाँ पे सॉफ्ट रॉक था, सॉफ्ट रॉक ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हार्ड है ये सॉफ्ट था इसके साइड, तो ब्रेक हो गया, तो यहाँ से वाटर ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। ये मान लो ये अगर सॉफ्ट, मान लो हो सकता है ये सब सॉफ्ट रहा तो टूट गया, ये हार्ड है तो हार्ड टूटा ही नहीं, तो हार्ड पे डायरेक्ट गिर रहा है। उसके बाद मीएंडर, मीएंडर कैसे होते हैं, जैसे रिवर का स्टाइल हो, रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर ऐसे फ्लो करती है। रिवर सीधे क्यों नहीं फ्लो करती, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी है रिवर सब कुछ को ब्रेक करके आगे चले जाए। रिवर की वेलोसिटी देखिए, रिवर तीन कोर्सेस में फ्लो करते हैं। जैसे अपर कोर्स होता है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स में क्या होता है, रिवर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो सब कुछ को तोड़ ताड़ के वी शेप में गिरता है, जोर से वी शेप ऐसे गिरता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा प्लेन में आती है, प्लेन में आती है, तो उसके सैंड, सिल्ट बहुत सारे उसके अंदर आ जाते हैं, जिससे क्या होती है, और ग्रेवल्स बहुत सारे पत्थर के टुकड़े आ जाते हैं, जिससे उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो स्पीड कम होने से फर्क ये पड़ता है कि अब वो सबको तोड़ के नहीं आगे बढ़ सकती। वो क्या कर सकती, आराम से जहाँ पे उसको थोड़ा मतलब सॉफ्ट रॉक मिला वहाँ से चले गए, हार्ड रॉक मिला उसको छोड़ दे। जैसे यहाँ पे इसको इधर नहीं आ सकती, इधर हार्ड रॉक हो सकता है, हार्ड रॉक हो तो इधर मूव कर गई, सॉफ्ट मिला जहाँ से, सिंपल सिंपल रास्ता जहाँ से सॉफ्ट रॉक मिला, तो इस रास्ते को मेंड्रिंग बोलती है। ये कभी भी अपर कोर्स में नहीं मिलती, अपर कोर्स में कभी भी नहीं मिल सकती है, ठीक है? मिडिल कोर्स में जनरली, मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में मिलती मेंड्रिंग। और इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ऑक्सबो लेक हो सकता है ये पहले रिवर का पार्ट था, लेकिन अब रिवर से कट गया है किसी कारण, बस इरोजन एंड डिपोजिशन के कारण किसी कारण कट गया है। मान लो ऐसे होता है, ऐसे मेंड्रिंग कर रही है, कुछ दिन बाद इसी पार्ट ऐसे हो के ऐसे हो जाए, फिर ऐसे करके ये ऐसे हो जाए और ये अलग छूट जाए, तो ये पार्ट ऑक्सबो लेक। अब पहले तो रिवर था लेकिन अब लेक हो गया। लेक इसलिए क्योंकि ये अब पार्ट रिवर के, मेन रिवर के पार्ट से अलग हो गया, ठीक है? उसके बाद लेवी क्या बोलते हैं, इस पार्ट को जहाँ तक काटती है ना, इस पार्ट को लेवी बोलते हैं, ठीक है? फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन का मतलब रिवर में जब फ्लड आती है तो कहाँ तक फ्लड आती है, तो अभी तक तो पानी यहीं पे है, यहाँ पे पानी ये इस एरिया में, लेकिन जैसे ही फ्लड आती है, तो फ्लड आई तो पानी ज़्यादा दूर में गया, ज़्यादा दूर में यहाँ तक गया। तो यहाँ जो रिवर में मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो सैंड, जो फर्टाइल सॉइल होते हैं, उसको ही साइड में रख देते, जिसके कारण जो रिवर के चारों तरफ वाले, दोनों साइड वाला एरिया होता है ना, हमेशा फर्टाइल होता है। जैसे आप गंगा प्लेन का, नदन प्लेन का एग्जाम्पल देख सकते हो, तो फ्लड प्लेन भी देख लिए, फर्टाइल होता है। उसका डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, जब रिवर समुद्र में
जाने वाली होती है ना, समुद्र में वाली होती है, तो अपने साथ साथ जो सैंड सिल्ट वगैरह लाई होती है, सैंड सिल्ट क्ले, उसको छोड़ देती है, उसको छोड़ देती है, उसके बाद रिवर में जाती है, तो छोड़ती है, तो उस पे वहाँ पे ऐसा इस टाइप का फेस बनता है, फैन टाइप का बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। उसके बाद सी वेब्स क्या क्या शेप बनाती है, एक होता है सी केव, सी आर्क। सी केव क्या होता है, सी केव इस टाइप का होता है, जैसे मान लो ये जगह है, ये मान लो सी केव के पास में ही कहीं माउंटेन टाइप का, छोटा सा माउंटेन नहीं बोल सकते, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, हार्ड रॉक है मतलब, और सी इसमें मान लो पूरे हार्ड रॉक है, पूरे हार्ड रॉक, कहीं ऐसा सॉफ्ट रॉक था, सॉफ्ट रॉक, उसको धीरे धीरे, क्योंकि समुद्र के पानी क्या करते, टकराते रहते हैं, आते टकराते, तो यहाँ के मिट्टी को सॉफ्ट करते करते थोड़ा छेद कर दिया, जिसे केव टाइप का बन गया, केव गुफा, तो उसका सी केव बोले। और मान लो एक ऐसे ऐसे सी केव है, ऐसे केव है, तो सिर्फ थोड़ा दूर तोड़ा तो केव हो गया, लेकिन अगर इस साइड से साइड बाई साइड कर दिया, मतलब इतना तोड़ा कि दोनों, ये मान लो माउंटेन था, और यहाँ से निकाल के यहाँ तक, मतलब ये पूरा तोड़ दिया, यहाँ से इस पूरे को तोड़ दिया, अंदर से बाहर तक निकल गया, उसको आर्क बोलते हैं, आर्क, ठीक है। लेकिन आप देखिए ऐसे है, थोड़ा थोड़ा तो केव था, पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर दिया, पूरा सॉफ्ट रॉक था यहाँ से यहाँ तक, तो उसको आर्क बोलते हैं, स्टॉक क्या बोलते हैं देखिए। लेकिन इन इन इस केव या आर के ऊपर छत तो है ना, ये छत तो है ना, रूफ तो है ना, लेकिन ये रूफ भी हट जाएगा अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो गया, तो इसको बोलते हैं, इसको स्टॉक्स बोलते हैं, स्टॉक्स, ठीक है। और क्लिफ, सी क्लिफ क्या होता है कि मान लो देखिए जनरली माउंटेन वगैरह या रॉक का टुकड़ा ऐसे होते हैं, लेकिन अगर मान लो सी ने, अगर ये सब सॉफ्ट रॉक था, तो सी क्या कर दिया, अगर मान लो सी इधर है, सी इतना इस पे टक्कर मारा कि इसको एकदम सी के जो मूवमेंट था, सी का जो मूवमेंट ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके जस्ट एकदम परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर एकदम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, तो उसको हम बोलेंगे सी क्लिफ। बीच तो आपको पता है बीच क्या करता है, डिपोजिट करता है, जहाँ पे सी सैंड वगैरह डिपोजिट होती है, उसको बीच बोलते हैं। तो हम एक से बोल सकते हैं ये केव भी इरोजन है, आर्क भी इरोजन है, क्ले स्टॉक्स भी इरोजन है, सी क्लिप भी इरोजन से बनता है, लेकिन बीच डिपोजिशन से बनता है, डिफरेंस हम कर सकते हैं ना। उसके बाद देखिए आइस का हम देखते हैं, ठीक है, आइस में क्या होता है, ग्लेशियर, ग्लेशियर तो आपको पता है रिवर ऑफ किसका, स्नो का, स्नो का रिवर होता है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे अभी क्या स्नो है, स्नो स्नो के साथ हो सकता है सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, लेकिन अगर स्नो गर्मी में हो सकता है, अगर इस गड्ढे में से, इस गड्ढे मान लो गड्ढा है, तो गर्मी के दिन में क्या होगा, स्नो तो पिघल गया, लेकिन बच गया क्या, सैंड सिल्ट क्लो बच गया, तो इसको बोलते हैं ग्लेशियर मोरेंस बोलते हैं, मोरेंस जो बच गया है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं विंड, उसके बाद है आया डेजर्ट का, विंड रॉक कैसे बनता है, मशरूम रॉक्स क्या बोलता है कि मान लो कि विंड क्या करता है, एयर पार्टिकल्स को उड़ा के ले जाते हैं, लेकिन पार्टिकल्स को मान लीजिए ये नीचे है सॉफ्ट रॉक, ये सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, तो ऐसे करके कुछ कर दिया ऐसे, ठीक है ना, तो ये सॉफ्ट रॉक को उड़ा के ले गया, हार्ड रॉक अभी भी है, तो इसको हम बोलेंगे मशरूम रॉक्स। और सैंड ड्यून्स क्या होता है, सैंड ड्यून्स इस टाइप का होता है, यहाँ से उड़ा के और कहीं और रख दिया, कहीं और ऊंचा ही बन रहा है, ऊंचा ऊंचा बन रहा है, हार्ड रॉक के पास ऊंचा ऊंचा बन रहा है, ऐसे टाइप का, ठीक है, तो उसको सैंड ड्यून। लाओस क्या होता है, लाओस होता है कि एक जगह से उड़ा के जो लाइट पार्टिकल होते हैं, एकदम सैंड सिल्ट क्ले, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो कहाँ से, वो माउंट डेजर्ट से उड़ के किसी और एरिया में जाके, पेड़ पे या पत्ते पे या कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहता है, एग्रीकल्चर वगैरह हुए रहते हैं, उस पे जाके लग जाते हैं, उस वहां बने, जैसे वहां पे बने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को बोलते लाओस। बस यही है इस चैप्टर में, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।